अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज साथ फ्रॉम जीएम टेक। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। दोस्तों आज की जो वीडियो मेरे पास वन प्लस का 9 मोबाइल फ़ोन यूज़ में अवेलेबल है, तो आज मैं आपको इसकी जो मार्केट प्राइस चली है यूज़ की, तो वो बताऊँगा। तो वीडियो आपने एंड तक देखना। जिन्होंने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, सबसे पहले चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लें और रिंग बेल आइकन को जो है प्रेस कर लें। एस्टर ब्लैक कलर में मेरे पास ये सेट अवेलेबल है, 10x10 कंडीशन है, किसी किस्म के निशान वगैरह आपको नहीं मिलेंगे, बिल्कुल साफ़ सुथरा फ़ोन है। बैक से आपको पहले मैं चेक करवा देता हूँ, कैमरा ग्लास बिल्कुल साफ है। बैक साइड पे आपको इसमें ट्रिपल कैमरा मिलता है, 48 मेगापिक्सल मिल जाता है इसमें आपको वाइड एंगल के साथ, प्लस 50 मेगापिक्सल मिलता है अल्ट्रा वाइड एंगल, प्लस 2 मेगापिक्सल इसमें आपको डेप्थ सेंसर मिल जाता है। और फ्रंट पे आपको सिंगल कैमरा मिल जाएगा और फिंगरप्रिंट सेंसर जो है आपको अंडर डिस्प्ले मिल जाएगा, मैंने अपना लगाया हुआ है। तो सबसे पहले आपको इसकी एक बार स्पेसिफिकेशन मतलब बता देता हूँ। 192 ग्राम सेट का वेट है, 6.55 इंचेस जो है स्क्रीन साइज है, फुल HD प्लस आपको इसमें रेजोल्यूशन मिल जाएंगे 402 BPI के साथ। गोरिल्ला ग्लास की प्रोडक्शन मिल जाएगी आपको फ्रंट पे और बैक पे, गोरिल्ला ग्लास की प्रोडक्शन मिल जाएगी। डिस्प्ले में जो है आपको फ्लूइड एमोलेड मिल जाएगा, 120Hz का इसमें आपको जो है रिफ्रेश रेट मिलता है। यहाँ से मैं आपको चेक भी करवा देता हूँ। काफ़ी अच्छे आजकल जो है वन प्लस के मोबाइल फ़ोन काफ़ी ज़्यादा इन हुए हैं मार्केट में, क्योंकि आपको पता है आजकल जो है लोग गेमिंग के लिए भी फ़ोन लेते हैं और कैमराग्राफी वीडियोग्राफी हो गया कैमरे के लिए यूज़ करते हैं। उस लिहाज से अगर आप बात करते हैं तो वन प्लस के फ़ोन काफ़ी अच्छे हैं अगर आप गेमिंग के हिसाब से बात करते हैं। 4500 mAh की इसमें आपको बैटरी मिलती है, फास्ट चार्जिंग सपोर्ट करता है, 65W के चार्जर के साथ, चार्जर आपको इसका जो है जर्मन मिल जाएगा। आपको पता है बॉक्स के साथ बहुत कम आते हैं, जैसे ये किट्स वगैरह आती हैं सिंगल फ़ोन होते हैं। तो 12 GB इसकी रैम है, 12 GB इसकी स्टोरेज है और ये नॉन पीटी डिवाइसेस आती हैं, लेकिन ये पैच मिल जाती हैं मार्केट में, ऑफिशियल पैच होती हैं ये। इसका जो है अबाउट फोन पे आके आपको मैं सारी डिटेल से चेक करवा देता हूँ। 12 GB इसकी रैम मिल जाएगी, 256 GB इसकी स्टोरेज है, 120Hz फ्लूइड एमोलेड डिस्प्ले मिल जाएगा 6.55 इंच स्क्रीन के साथ। एंड्रॉयड वर्जन जो है इसमें आपको 11 मिल जाएगा। फ़ोन जो है काफ़ी अच्छी कंडीशन में है, फ्रंट से भी आप चेक कर सकते हैं, ग्लास बिल्कुल साफ़ है, किसी किस्म का निशान वगैरह है आपको स्क्रीन पर कोई स्क्रैच वगैरह नज़र नहीं आएगा। और टाइप सी आपको इसमें चार्जिंग पोर्ट मिलती है, 3.5 ऑडियो MM जैक नहीं मिलेगा इसमें आपको, कनेक्टर के साथ आप हैंड फ्री यूज़ कर सकते हैं या टाइप सी, आप आजकल हैंड फ्री आई हुई है मार्केट में आप वो यूज़ कर सकते हैं। तो फ़ोन जो है काफ़ी अच्छा है आजकल, काफ़ी डिमांड है इसकी वन प्लस के फ़ोन्स की। बाकी आपको मैं इसके कैमरे में जो ऑप्शन आ रही हैं वो चेक करवा देता हूँ, कैमरे इसकी हर चीज़ प्रॉपर काम कर रही है। एक चीज़ बताना चाहूँगा कि वन प्लस के जो फ़ोन हैं मार्केट में आए हुए हैं आजकल काफ़ी रिफर्बिश फ़ोन आए हुए हैं, तो आपने जब भी वन प्लस के फ़ोन लेने हैं अक्सर कस्टमर देखते हैं कि उनको सस्ता मिल रहा था वो ले लेते हैं, लेकिन बाद में उनको पता चलता है कि इसकी ये रिफर्बिश फ़ोन में इसमें शेड ज़्यादातर शेड मिलता है फ़ोन में, या किसी की बैक चेंज होती है, तो कस्टमर को इतना आइडिया होता नहीं है। तो जब भी आप फ़ोन ले परचेज़ करें वन प्लस के खासतौर पर, तो मार्केट पहले एक बार विजिट करें प्रॉपर, ये ना देखें कि सस्ता मिल रहा तो आप फ़ौरन परचेज़ कर लें, पहले एक बार मार्केट अच्छी तरह से 4-5 दुकानों से कन्फर्म कर लें। अगर सबसे एक जगह से आपको एक रेट मिलता है तो इट्स मीन कि इसका रेट वही है, अगर एक जगह से बहुत सस्ता मिल रहा है तो इट्स मीन कि वो रिफर्बिश फ़ोन है, उसमें कुछ ना कुछ मसला है या तो उसका शेड होगा उसमें, अक्सर कस्टमर को ये चीज़ पता नहीं होती। तो लाजमी आप स्क्रीन वगैरह चेक कर लिया करें, मैं अपने हर वीडियो से बताता हूँ कि यहाँ पर आके आप वाइड स्क्रीन करेंगे तो आपको यहाँ से नज़र आ जाता है कि शेड वगैरह ऊपर अक्सर नज़र आ रहा होता है, तो वो चीज़ नहीं होनी चाहिए। तो ये मेरे पास ओरिजिनल जो वॉइस है, किसी किस्म का शेड नहीं है, किसी किस्म का कोई मसला नहीं आएगा आपको, हर चीज़ ओके मिलेगी इसमें आपको। डिस्प्ले में आएंगे जो जो ऑप्शन आ रही है मैं आपको चेक करवा देता हूँ। ऑप्शन में काफ़ी ज़्यादा ऑप्शन मिल जाते हैं आपको फ़ोन के हिसाब से, बाकी मैंने आपको चेक करवा दिया है। और इसका जो चार्जर मिल जाएगा केबल मिल जाएगी, टाइप सी टू टाइप सी जो इसमें आपको केबल मिल जाती है, 65W जो है फास्ट चार्जिंग सपोर्ट करता है ये, राउंड अबाउट आपके आधे घंटे में मोबाइल फ़ोन जो है 1% से 100% चार्ज कर देता है। अगर तो ये आपको ओरिजिनल इसका जो है चार्जर मिल जाएगा जो कि बहुत कम मिलता है ओरिजिनल, बाकी मार्केट में आजकल जो है मास्टर कॉपी सेल हो रही होती हैं। तो फ़ोन जो है काफ़ी अच्छी कंडीशन में है इस वक्त, जो भी कस्टमर परचेज़ करना चाहें वो परचेज मुझसे रब्ता कर सकते हैं। बाकी मैंने आपको चीज़ बता दी है इसकी, गेमिंग के लिए आज से भी अच्छी डिवाइस है। कैमरे में आपको चेक करवा रहा था, कैमरे में जो ऑप्शन आ रही हैं वो आपको चेक करवा देता हूँ। स्लो मोशन की ऑप्शन मिल जाएगी इसमें यहाँ से आपको, वीडियो रिकॉर्डिंग की ऑप्शन मिल जाएगी यहाँ से, आप ऊपर से सुपर स्टेबल मोड ऑन कर सकते हैं, तो काफ़ी आपकी जो है स्मूथ वीडियो बनती है। पोर्ट्रेट की ऑप्शन मिल जाएगी इसमें आपको, तो कलर्स वगैरह जो है इसके कैमरे के काफ़ी अच्छे हैं। बैक साइड पर ट्रिपल कैमरा मिलता है इसमें आपको, फ्रंट कैमरे से मैंने कुछ पिक्चर्स वगैरह ली हुई हैं, ये फ्रंट कैमरे का इसका रिजल्ट है पोर्ट्रेट मोड कैमरे का, जैसे कि आप चेक कर सकते हैं रिजल्ट काफ़ी अच्छा है इसका। सैमसंग के जो मोबाइल फ़ोन हैं उसके हिसाब से अगर आप कंपेयर करें तो इनके कैमरे के रिजल्ट इस रेंज में काफ़ी अच्छे हैं,
ये इसके पोर्ट्रेट कैमरे के बगैर का रिजल्ट है। तो कैमरे के लिहाज से अगर आप बात करते हैं तो काफ़ी अच्छे इसके रिजल्ट हैं कैमरे के। वीडियो रिकॉर्डिंग वगैरह करते हैं तो काफ़ी आपकी अच्छी वीडियो रिकॉर्ड हो जाती है, और आजकल काफ़ी ज़्यादा मोबाइल फ़ोन ये इन हुए हुए हैं। तो डिमांड जो इसकी बताना चाहूँगा 90,000 रुपीज़ इसकी डिमांड है। डुअल सिम के साथ है ये, ऑफिशियल पैच मिल जाएगा आपको, ये डुअल सिम के साथ है। 90,000 रुपीज़ इसकी डिमांड है। तो जो भी कस्टमर परचेज करना चाहें मुझसे रब्ता कर सकते हैं। मैं अपना इंस्टाग्राम का लिंक जो है इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दूँगा, वहाँ से आप मुझसे रब्ता कर सकते हैं। अगर आज की वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग GM Tech।